बिहार राज्य के गया जिला के मोहरा प्रखंड के सत्यनारायणपुर गांव के कारू बिगा टोला में लगभग 400 घरों से ज़्यादा अधिक लोग निवास कर रहे हैं। यहां पे इन्हें बसे हुए लगभग 70 से 80 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पानी तो हम बता रहे हैं कि हमको इतना तकलीफ है कि हम लोग का कहें, ढोक लाना पड़ता है चंदन दीप से पानी। यहाँ कुआं कितना है? कुआं दू गो खाना हुआ, दोनों तो देखा है, तो एक दो फसल है, एगो कहे से बहुत सूख जाता है, पीते पीते सब आदमी के परेशानी। तो रात दिन हम आने, रात की तो पानी पीवे नहीं करते हैं, रात के तो हम लोग तकलीफी से क्या कर जाता है। इस गांव में एक भी चापाकल नहीं है और कुआं दो है, जो कि कुआं भी है तो एक भसा गया है और एक भसा जा रहा है। बरसात के दिन में इस कुएं में खेतों का पानी जाता है, जिससे पानी बहुत गंदा रहता है, जो पीने लायक नहीं है। और जब ज़्यादा भर जाता है तो दूसरे के गांव में दूसरे के कुएं पर लोग पानी लाते हैं, जो कि वहां के लोगों को इस गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर बसा हुआ है। जब आप पानी लाने जाते हैं दूसरे गांव में, तो उससे दिक्कत क्या होता है? दिक्कत वही होता है कि नंबर लगा रहता है, तो बाल बच्चा कुछ स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, हम लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो नहीं होता है, तो कुएं हो जाता तो बैठ जाते हैं। कुआं भसा हुआ तो पीने लायक में पानी नहीं निकलता है? नहीं निकलता है, दम नहीं निकलता है, दम भसा हुआ तो वर्षा का पानी से पानी जमा हुआ है, धीरे धीरे लीवर भागेगा तो सूख जाएगा यहीं पे। तो आप लोग कोई मुखिया उखिया को नहीं बोले? मुखिया सरकार हम लोग तो पता नहीं लगता कि कोई अभी नहीं कहता, देखबे नहीं कहता है, हम लोग तो कैसे कहाँ पर है, सोहारी में मुखिया है, जाते तो कहते हैं फलना जगह गया, ये फलना जगह चला गया, हमारे तो खोजे नहीं है। वो कभी जाते हैं मुखिया जी के खोजने के लिए तो टेटुआ चल जाता है, तो कभी गया है तो कभी राजगीर देने चला गया, भेटे नहीं देता है, किसी से हम कहें और किसी से मांगे। आप लोग चाहते हैं कि कुआं बन जाए या चापाकल लगे? तो बन जाए सर तो आप बढ़िया है। इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा पानी पिए मुहे तो फिर आराम होगा, हाँ हम लोग का दूसरा गांव में जाने नहीं पड़ेगा। और क्या होगा? वही बाल बच्चा पढ़ने के लेट होता है तो फिर इसी जगह से अपना पानी पर वो ला करके सवेरे बना खिया के अपना जाएगा स्कूल, हमने अपना काम धाम देखेंगे। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि मैं भी इसी समुदाय का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि सत्यनारायणपुर टोला कारू बीघा गाँव में पानी पीने के लिए एक चापाकल की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द किया जाए, ताकि और भी ग्रामीणों को इस समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, PHD विभाग का नंबर 8544-16-97-68 पर कॉल कर समुदाय का सहयोग करें। मैं अमित कुमार गया जिला बिहार से, इंडियन हट के लिए।